देखिए जी, कुछ कॉम्बिनेशन जो है ना वो खाने के ऐसे होते हैं कि आधी दुनिया जो है वो उसकी कस्में खाती है और आधी दुनिया ने वो खाए नहीं होते हैं। तो जी नमस्कार, मैं रणवीर ब्रार। हेलो हेलो हेलो। आज बनाएंगे एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसको कि वेस्टर्न इंडिया जो है इतना पसंद करता है गर्मियों में, और बाकी के हिंदुस्तान को यहाँ तो पता नहीं है, अभी अभी पता लगना शुरू हुआ है। आमरस पूरी। जी हाँ, आम के साथ पूरी। मुझे पता लखनऊ वाले क्या सोच रहे होंगे, हम लखनऊ से, हमें पता ना, आम के साथ पूरी। जी हाँ, आम श्रीखंड पूरी, आमरस पूरी। ब्रेक के बाद। और डिश ऐसी है मजा ना आए, पैसा वापस, मूछे दाढ़ी सर सब मुड़वा लूंगा। Calling and action. तो जी, आमरस पूरी बनाने के लिए हमको चाहिए आम, जो मैंने मैंगोस्तान से मंगवाया हुआ है, और पूरी। पूरी के लिए हमारे पास है आटा और सूजी। नमक, टाइम नहीं वेस्ट करते हम भैया, डिश ऐसी है कि अपने आप स्पीड बना देती है। मैं ना अपनी आधी जिंदगी, आधी से भी ज़्यादा जिंदगी अभी तक की, इस डिश के बारे में मुझे पता भी नहीं था। लेकिन जब आप बॉम्बे में आते हैं ना, तो गर्मियों में फिर आपको आमरस और उसके साथ में पूड़ी का मतलब समझ में आता है, या फिर श्रीखंड के साथ में पूड़ी का मतलब समझ में आता है। वरना अगर आप हमारे जैसे 70 के दशक में पैदा हुए लखनऊ के लड़के हैं, आपके लिए पूड़ी का मतलब होता है बढ़िया सी रेलवे स्टेशन वाली आलू की सब्जी, जिसकी रेसिपी आप देख चुके हैं पहले, है ना? नहीं देखिए तो देख लीजिएगा। अब इसमें डाल दिया हमने वाटर, ठंडा पानी। आटा जो है वो ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला गूंदना है, ठीक है जी। टाइट इसलिए नहीं क्योंकि इसके अंदर रवा है, आप टाइट गूंदेंगे तो और टाइट हो जाएगा। और ढीला इसलिए नहीं क्योंकि इसके अंदर आटा है, आटा जो है वक्त के साथ ढलता है, तो आप पहले ही ढीला करेंगे तो और ढल जाएगा। इसलिए क्योंकि इसमें आटे और रवे का बैलेंस है, इसलिए इसमें ढीले और टाइट का बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। बेसिक्स। अब यहाँ पे ज़्यादा जोरम जोरी नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में भलाई और आटे मैदे में ढलाई बहुत ज़रूरी है, और भलाई और ढलाई दोनों के लिए वक्त चाहिए, हैं? बस थोड़ा सा लास्ट में ऑयल। पहले का ऑयल खस्ता करता है, बाद का ऑयल नरम करता है। नहीं नहीं मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं रणवीर कितनी बार बता चुका है, याद है। देखिए कई लोगों ने नहीं देखे होंगे ना वीडियो, पहली बार देख रहे होंगे, उनको किसी ने भेजा होगा हमारे इस एड्रेस पे कि रणवीर के वीडियो देखो। उन्हें क्या पता कि रणवीर हर वीडियो में वही चीज़ बोलते। देखो जी, हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है, और हंसते खेलते जो आटा गूंध जाए वो भी अच्छा है। ये देखिए, न ज़्यादा टाइट न ज़्यादा ढीला। ओके जी, अब आमरस, और आ गए मैंगोस्तान से मैंगोस। नहीं मतलब पूरी कहानी सुनाऊंगा, कहीं नहीं जा रहा हूं मैं, आ जाइए। हेलो, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? अमित मिश्रा। अमित, थैंक यू वेरी मच। थोड़ी देर रुक जाइए, हैं आमरस बन रहा है, आमरस खा के जाइएगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। लोगों को अमरस श्रीखंड नहीं खाना है? देखिए जो अमरस पूरी है ना, वो अमरस पूरी है। फिलहाल मैंगोस्तान से मिलवा देते हैं आपको। वो क्या है ना, कल रात को मैं एक क्रिएटिव देख रहा स्विगी का, जिसमें कि हिंदुस्तान के नक्शे के ऊपर हमारे कौन से राज्य से कौन सा मैंगो आता है वो बना हुआ था। हाँ, तो मैंने कहा इस बार का जो अमरस है वो पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए हमने मैंगोस्तान से मैंगोज मंगवाए हैं, और वक्त भी कुछ नहीं लगा। एवरी टाइम इज मैंगो टाइम, तो ऑर्डर कर लीजिए। मैंगोस्तान खुला है सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। और आपके स्क्रीन पे जो कूपन कोड है आई एम रणवीर, उसको इस्तेमाल कीजिए और 70 रुपए बचाइए अपने 199 रुपए के पहले ऑर्डर पर। मैं उम्मीद रखता हूँ कि अब तक सुगम संगीत चल चुका होगा और आपने घूमते घूमते सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए होंगे। अब मैं बताता हूँ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं प्रेप करने के लिए। ये है जी टंगा हुआ दही, ठीक है। ये वो दही है जिसको कि हमने रात भर मसलिन क्लॉथ या फिर मलमल में टांग के छोड़ा है, और सुबह उसको और दबा दिया है सिलवट्टे से, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि आपको दही को सुखा सुखा के उसका पनीर बनाना है, और यहाँ पर मैंने इसको मिट्टी के बर्तन में इसलिए रखा है कि बचा कुचा जो पानी है वो मिट्टी का बर्तन पी जाएगा। दूसरा जी, वो जो आम आए थे वो मैंने ऐसे काट लिए, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि 6 अगर आप चौसे या केसर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें
दो आपको हापुस डालने हैं। अगर कभी भी आमरस बनाते हैं, एक बेसिक फॉर्मूला है, 8 आम में से 6 आम हापुस नहीं होने चाहिए, बिकॉज जो टेस्ट है वो केसर का या चौसे का होता है। हापुस की हल्की सी मिठास होती है, हल्का सा अरोमा होता है। इसलिए ये कहना कि सिर्फ अल्फोंसो से ही अच्छा आमरस बनता है, बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। अल्फोंसो इज ओनली 30% ऑफ अ गुड आमरस, ठीक है जी। तो 30% वाला जो है वो काट लेते हैं मामला। देखिए एक्चुअली हिंदुस्तान जो है वो सही मायने में मैंगोस्तान ही है। इतनी सारी किस्में हैं आम की, हर स्टेट की अपनी एक कहानी, अपना एक आम जो उस स्टेट के लिए खास है। अब हमारे लखनऊ का दशहरी और हमारे मुंबई का हापुस या अल्फांसो, सबको अपना बना लीजिए। जहाँ का आम अच्छा है उस शहर को अपना बना लीजिए। हमारे सूरत का केसर, हमारे मुरादाबाद का लंगड़ा। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि छिलका भले फेंक देना है, जो इसकी गुठली है वो बिल्कुल नहीं फेंकनी है। क्यों वो मैं बता दूंगा आपको। ये बहुत वो है, ये दादी माँ का नुस्खा है इस गुठली में। ये जो मैंगो है ना, ये डाइस करके मैं थोड़ा अलग रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं श्रीखंड में डालूंगा डाइस मैंगो। श्रीखंड में थोड़ा थोड़ा मैंगो डाइस होना तो बड़ा मज़ा आता है। और जैसा मैंने कहा केसर नहीं है तो आप चौसा भी डाल सकते हैं। अब थोड़ी सी शक्कर, लाल सिंदूर करके काम आता है, उसका भी आमरस अच्छा बनता है। सेम वही 6 लाल सिंदूर और 2 हापुस उल्फ अल्फोंसो। अल्फोंसो का नाम अल्फोंसो कैसे पड़ा पता है ना आपको? बताया हुआ मैंने, दोबारा बता दूं। देखिए मैंगो जो है इसका अगर आपको बोटैनिकल नाम पता है तो आप सीधे से कह सकते हैं हिंदुस्तान का है, मैगीफेरा इंडिका। आगे इंडिका लग गया तो मतलब हिंदुस्तान का ही हुआ। हाँ, तो यहाँ पर आप रणवीर को ही नहीं कह सकते, रणवीर बोलता है सब कुछ बाहर से आया। लेकिन अल्फोंसो मैंगो की कहानी बाहर से आए हुए मैंगो के साथ जुड़ी हुई। अब देखिए क्या है कि हमारे यहाँ जो आम होते थे, हमको वो चूसने वाले आम ज़्यादा अच्छे लगते थे, राइट? हम काटने वाले आम या वैसे आम जो कि एक्सपोर्ट करके लंबे समय तक जा सकें, वैसे आमों पर हमारा फोकस नहीं था। लेकिन जब यूरोपियंस हिंदुस्तान आए, खासतौर पोर्चुगीज आए, तो उनको आम बहुत चाहिए थे जहाँ उग सकें और यूरोप में बिक सकें। मतलब उनको चाहिए थे थोड़े सख्त आम जो कि स्लाइस करके खाए जा सके, राइट? तो इसलिए क्योंकि पोर्चुगीज ने मैंगो की वैरायटीज ब्राज़ील में और साउथ अमेरिका में देखी थी, वहाँ से वो कुछ वैरायटीज लाए और उन्होंने हिंदुस्तान में ग्राफ्टिंग इंट्रोड्यूस करी मैंगोज के लिए, और उस तरह ये अल्फोंसो मैंगो क्रिएट हुआ जो कि सख्त था, एक्सपोर्ट फ्रेंडली था, काट के खाया जा सकता था। और इस मैंगो का नाम अल्फोंसो द एल्बुकर्क, जो एक बहुत बड़े वाइसरॉय रहे हैं पोर्चुगल के और पोर्चुगीज एम्पायर को फैलाने में उनका बड़ा नाम माना जाता है, उनके नाम से इसका नाम अल्फोंसो पड़ गया। बाकी हमको अल्फोंसो बोलना आता नहीं था, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हर चीज़ को अपने हिसाब से अपना बना लेते हैं। तो हमने बोला अल्फोंसो, अफोंसो, अफोंसो करके हमने उसका हापुस बना दिया। तो अब जब आप हापुस खाएंगे या अल्फोंसो खाएंगे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, तो आपको ये ज़रूर याद आएगा कि भाई इसमें भी कहीं ना कहीं दुनिया गोल है और पूरी दुनिया ने मिल के इस आम को, इस आम का रूप दिया है। द वर्ल्ड इज़ वन, स्पेशली अगर आप खाने के लेंस से देखें तो। चलिए अब आपको एक ओल्ड गुज्जू ट्रिक बताता हूँ, ठीक है? ये जो आपने बीज लिया हुआ है ना आम का, इसको आमरस के अंदर डाल दीजिए। अब इसे किसी भी प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं है। आप इसे फ्रीज़ करेंगे ना, फ्रीज़ करने के बाद 1 साल बाद भी खाएंगे, आपको ऐसा लगेगा अभी बनाया रणवीर ने आमरस। ये ट्रिक हमारी नहीं है, ट्रिक हमने चोरी करी है। किरण आंटी थी ना जिनसे हमने थेपला सीखा था, याद नहीं आपको? किरण आंटी से मिल लीजिए, उनसे सीखी हमने ये ट्रिक। चलो जी, ये हो गया पार्ट नंबर 1 आमरस। अब बनाते हैं पार्ट नंबर 2 श्रीखंड, ठीक है जी। देखिए मिट्टी के बर्तन में मैं दही इसलिए फेंट रहा हूँ क्योंकि मिट्टी का बर्तन जो है वो एक्स्ट्रा पानी पीता रहता है। और देखिए दही कितना गाढ़ा टंगा, एकदम पनीर जैसा। इसका दाना मार लिया हमने, है ना, इसको फेंट लिया एक बार और थोड़ा फ्लफ़ी कर लिया इसको। ये देखिए हो गया ना फ्लफ़ी। अब इसके अंदर डालनी है थोड़ी शक्कर और अपना आमरस। देखा हमने एक गुठली से 2 आम खा लिए, मतलब वही एक तीर से 2 आमों का निशाना लगा लिया। अब इसमें केसर ये ऑप्शनल है तो डाल दीजिए। बाकी श्रीखंड में आमतौर पे इलायची पाउडर जाएगा, नटमेग पाउडर यानी कि जायफल का पाउडर जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंगो का फ्लेवर बहुत डेलिकेट होता है, फिर वो फ्लेवर नहीं आएगा। ब्यूटिफुल फ्लफीनेस देख रहे हैं आप, फ्लफीनेस।
ये जो है उसको अच्छे से अगर बीट किया गया हो तभी आती है। केसर की भी कीमत कम हो गई है भाई, जब से नींबू ने केसर की जगह ले लिया ना महंगाई में, तब से केसर कोई पूछता नहीं है। तो बेसिकली श्रीखंड जाएगा फ्रिज में, आमरस जाएगा फ्रिज में। आमरस मैंने आपको बताया फ्रीज कर सकते हैं एक साल अगर आप किरण आंटी की ट्रिक यूज़ करें, ठीक है। जितनी गोल बनती है बनाइए, मेरे से भी नहीं बनती परफेक्ट गोल, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी नहीं बनाएंगे। अच्छा, अगर आप बोल रहे हैं रणवीर ये डीप फ्राइड वाला मामला है भाई कैसे करेंगे हम, तो इसके साथ चपाती बहुत बढ़िया जाती है। आमरस के साथ चपाती, आम्रखंड यानी कि मैंगो श्रीखंड के साथ चपाती बड़ी अच्छी जाती है। बढ़िया सी चपाती लें बगैर घी वाली, ठीक है। ये ना बड़ी पंजाबी स्टाइल की पूड़ी बना रहा हूँ मैं। गुजरात में अगर आप गुजराती घर में जाएंगे तो छोटी छोटी एकदम बेबी बेबी पूड़ी मिलेंगी, बिल्कुल बेबी पूड़ी। बेसिकली बना के और ऐसे उनको ढक लें, इससे क्या होगा पूड़ी और अच्छे से फूलेगी, क्योंकि डो जो है उसको रेस्टिंग का टाइम मिल जाएगा ना बिलने के बाद। आप 2 मिनट भी अगर ऐसे कर लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। दूसरी चीज़, एक एक करके पूड़ी नहीं तलनी पड़ेगी, सारी एक साथ तल सकते हैं आप। चलो शुरू करें अंताक्षरी। ये बन गई हमारी पूड़ी, ये लो जी। ओह वाह 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 वाह, क्या बात है। हेलो जी, बन गया ना गुब्बारा, मतलब खाने वाले को भूख लगी है। हेलो, एक तरफ आमरस हो गया, एक तरफ आम्रखंड हो गया, एक तरफ पूड़ी हो गई, यानी कि एक तीर से मैंने 3 डांडिया करवा दिए। ऐसे कुछ होता है ना? नहीं, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, खा लो रणवीर भाई चुपचाप। पर ये बहाना नहीं चलेगा कि हम पूड़ी नहीं खाते, चपाती के साथ भी हो जाएगा। मैं कहा जी सारे मिशलिन स्टार एक तरफ और ये आमरस पूड़ी एक तरफ, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। मतलब आमरस आम्रखंड में से कोई एक चीज तो बनाइए, और पूड़ी नहीं तो चपाती बनाइए। बनाइए तो सही, वरना आम का मौसम निकल जाएगा, आप ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आम के मौसम का भरपूर आनंद लें, और अगर आम की और रेसिपीज देखनी है जैसे आम फिरनी और बहुत कुछ, तो हमारे चैनल पे हैं। बाकी ऐसा ना हो कि आम के साथ आनंद भी चला जाए और आप कहें, और इन गर्मियों में सिर्फ अपना फेवरेट आम ही मत खाइएगा, हिंदुस्तान के आम खाइएगा।